ये जो वीडियो है ना, ये डेंजरस स्टेज स्टेज पार्ट टू पर है, मतलब एक डेंजरस पैटर्न है। जिसका पहला वीडियो आपने नहीं देखा तो आप पहले उसे वॉच करिएगा, ये उसका पार्ट टू है कि ऐसा हम क्या करते हैं जिसकी वजह से हम अपनी जर्नी में 5 ईयर्स मतलब स्टक हो जाते हैं। 5 ईयर्स भी आप रनर चेजर फेस पे स्टक हो सकते हो, क्योंकि मेरे पास एक डिवाइन फेमिनाइन आई है, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वाइब्रेंट, उस बहुत हाई एनर्जी है, मतलब बहुत इम्प्रेसिव हैं। पहली बार कोई ऐसी डिवाइन फैमिलाइन मेरे पास आई जो मुझे इम्प्रेस कर चुकी है, वरना मुझे कोई कर नहीं पाता जल्दी। तो अभी क्या है ना कि फिर भी वहाँ पर वो गलतियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं, मीन्स एक डिवाइन फैमिलाइन जिसने सच में बहुत अच्छा वर्क किया लास्ट 5 ईयर्स में, फिर भी वो रनर चेजर स्टेज पर है और फिर भी वो उसका इनर वर्क जीरो है। बट जो उसके अंदर बहुत अच्छी बात है वो है उसका नेचर, वो है उसके अंदर की गुडनेस जो बहुत अच्छी है, जो सब पे छाप छोड़ती है, ऐसी है वो डिवाइन फेमिनाइन, बहुत एक्सेप्टेबल है वो, मतलब उसके अंदर जो चीज़ें बहुत प्लस पॉइंट है, एक लॉयलिटी है, एक्सेप्टेंस है, ट्रस्ट है, और उसका एक पॉजिटिव ऑरा है जो बहुत ज़्यादा उसको यूनिक बनाता है बाकी डिवाइन फेमिनाइन से। तो लेकिन ये चीज़ मैंने उनके अंदर भी नोटिस करा, ये पैटर्न उनके अंदर भी है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपके मैसेज करने पे आपके डिवाइन मस्कुलाइन बार बार आपको रिप्लाई कर रहे हो और उस लालच में आप बार बार चले जाते हो कि यार क्या हुआ वो मुझे रिप्लाई नहीं करता, मतलब खुद से कॉल मैसेज नहीं करता बट एटलीस्ट रिप्लाई तो करता है, और उस एक रिप्लाई के चक्कर में अगर आप बार बार उनको मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो ना, तो ये डेंजरस एक पैटर्न है जो आने वाले आपके 2 से 3 साल नहीं, 4 से 5 साल, और इनफैक्ट आपका ये पूरा रेस्ट ऑफ द लाइफ आप रनर चेजर फेज पे ही रहोगे। सेकेंड पॉइंट आपका ये होता है कि आप एक्सेप्टेंस में नहीं हो। मेरे पास कुछ डिवाइन फेमिनाइन आई है, मैं उनको ये बोली हूँ आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हैं। मैंने एक लड़की है, उसको मैंने होमवर्क दिया कि आप जाओ अपने अंदर कुछ निगेटिव पॉइंट्स, अपनी बुरी आदत बुरे चीज़ों को नोट डाउन करके आओ, तो दो चीज़ें ला रही हैं, एक एक चीज़ें ला रही हैं। अरे जब तुम्हारे TF कोच, मैं खुद अभी मैंने अपने अंदर की बुराइयाँ ढूंढी थी, मेरे खुद के 12-15 पॉइंट थे। जब मैं इतनी आगे बढ़ चुकी हूँ जर्नी में, मेरा यूनियन मैनिफेस्ट हो रहा है, चीज़ें इतनी हो रही हैं, अभी भी मेरे अंदर इतने बुराइयाँ, इतने निगेटिव फैक्टर्स, इतनी कमियाँ रह गई हैं। बट ये है कि मेरी कोई मेजर कमियाँ नहीं है जो सामने वालों को हर्ट कर दे, मैं इम्बैलेंस नहीं होती हूँ, मैं बैलेंस ही रहती हूँ। मुझे पता है कि कब मुझे एग्रेशन का नहीं करना है, कब मुझे एग्रेसिव होना है, और कितने यूनिट में होना है, मतलब कितने अमाउंट में मुझे होना है, हर चीज़ मैं लेकर चल रही हूँ। फिर भी मैंने 2-3 चीज़ें मेरी कमियाँ जो मैंने नोटिस करा वो एक दो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक तो मेरा क्या था ना कि मैं कोई भी सामने वाला इंसान जब बात कर रहा होता था ना, मैं उसको इंटरप्ट कर देती थी, लाइक उसको वो बोल रहा है बीच में और उसको मैंने टोक दिया या बोलने का मौका नहीं दिया, चांस नहीं दिया, तो वहाँ पे समवेयर आप डोमिनेटिंग हो जाते हो और आप क्या करते हो, ओवर टॉकटेटिव होते हो, लाइक आप ज़्यादा बात करो, ज़रूरत से ज़्यादा बात करो, या आप जो है आप सोच नहीं रहे हो, आप बोले जा रहे हो, मतलब होता है ना थिंक बिफोर स्पीक। तो थिंक बिफोर स्पीक तो मेरे वाला सिनेरियो में नहीं था, बट मेरा ये था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं इंटरप्ट कर देती हूँ बीच में, तो मैंने कहा कि यार इसे थ्रॉट चक्रा ब्लॉक होगा, थ्रॉट चक्रा मेरा ब्लॉक है इसके वजह से, क्योंकि मेरे कम्युनिकेशन स्किल बहुत वीकर हो गया कुछ टाइम से, और उसके बाद से क्या हुआ है कि वो कैप्स नहीं मिलते हैं, बात करने जाती हूँ तो मुझे समझ ही नहीं आता कौन से मतलब शब्द ही नहीं आ रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब आपका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक होता है, और मेरा थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है, इसीलिए मेरे DM भी इनएक्सप्रेसिव हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं फीलिंग्स को। तो मैंने सोचा कि जब मेरे अंदर इतनी कमियां हो सकती है इस स्टेज पर आने के बाद, इस पॉइंट पर आने के बाद, तो जो डिवाइन फेमिनाइन बनी नहीं है, जिनकी जर्नी जस्ट स्टार्ट हुई है, वो एक एक अंदर अपने अंदर सिर्फ उनको 2 बुराई लग रहा थी, मैम मेरे अंदर सिर्फ 2 ही बुराई है, मैं परफेक्ट हूँ एकदम, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं मान ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं अपने अंदर की बुराइयों को नहीं ढूंढ पा रहे हो। अगर आप सेल्फिश हो और आपने ये बात एक्सेप्ट नहीं किया, आपको पता है इसका ड्रॉबैक आपको कहाँ मिलेगा, इसका इम्पैक्ट आपकी जर्नी पे कहाँ पड़ेगा, आपका DM ना सेल्फिश नेचर से डील करेगा और वो आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि वो दिमाग लगाएगा इस लड़की के पास जाना मेरे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं, वो सेल्फिश नेचर से डील करेगा, वो खुद सेल्फिश बन जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा आप फेमिनाइन एनर्जी में रहते हो तो आपका DM मस्कुलाइन एनर्जी से डील करेगा, वो तो आपके पास नहीं आएगा, वो दिमाग लगाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी में रहते हो, वो फेमिनाइन एनर्जी में चला जाएगा, वो स्टैंड ही नहीं ले पाएगा, अपने कार्मिक को छोड़ ही नहीं पाएगा, अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं हो पाएगा। आपका नेचर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके डिवाइन मस्कुलाइन के लाइफ में, आपको आइडिया है? अगर आपने ये कह दिया ना कि मैं निगेटिव थॉट नहीं है मेरे,
कम ऑन, आपने ये बात तो मान लिया, आंखों पे पर्दा डाल लिया कि आपको निगेटिव थॉट्स नहीं है, लेकिन आपके निगेटिव थॉट्स आपके डिवाइन मस्कुलाइन के माइंड तक जा रहे हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके डिवाइन मस्कुलाइन का कॉन्शियस माइंड होता है। आपकी सारी की सारी बुराइयां आपके डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर दिख रही होती हैं, बाहर से ही दिखेंगी। तो जब आप ये कहते हो ना कि मेरा डिवाइन मस्कुलाइन ये है वो है, वो ऐसा करता वैसा करता, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देता, आप खुद को इंपॉर्टेंस देते हो? आप खुद की कमियों को एक्सेप्ट करते हो जो वो करेगा? अगर आप इस और इस इल्यूजन से बाहर नहीं आओगे, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं आओगे, ये जर्नी आपके लिए वेस्ट है, मतलब कुछ नहीं होने वाला। कोई यूनियन के साइन के पीछे मत भागो, कोई एंजल नंबर डिकोड मत करो, कोई ड्रीम्स को डिकोड मत करो, अगर एक्सेप्टेंस में ही नहीं हो। आज तक आपको यही नहीं पता आपके अंदर कमियां क्या क्या हैं। आप बोलो अब मैं मिरर वर्क कर रहा हूँ, मिरर वर्क आप करोगे कैसे? आपको अपनी कमियां नहीं पता तो मिरर वर्क में क्या लिखोगे? कि वो मुझे प्यार नहीं करता क्योंकि मैं खुद को प्यार नहीं करती, यही तो लिखोगे, और क्या लिख लोगे आप? शैडो वर्क का क्या मतलब होता है कि आप शैडो कर वर्क, मतलब अपनी सारी कमियों को इस तरह से दूर कर दो कि डिवाइन मस्कुलाइन से भी वो निकल जाए, वो भी नहीं कर पाओगे। आपकी लाइफ में इतने इश्यूज हैं, आपका मेंटल ट्रॉमा है, आपका निगेटिव थॉट प्रोसेस है, और आपका नज़रिया सबसे ज़्यादा ट्विन फ्लेम जर्नी में जो मैटर करता है ना, वो होता है आपका नज़रिया। आप किस नज़रिए से इस जर्नी को देख रहे हो? अगर आप यूनियन चेस कर रहे हो, मैरिज चेस कर रहे हो, तो भूल जाओ आपका यूनियन और मैरिज होगा। मैं सीधा बोलती हूँ, नहीं होगा मैरिज। यूनियन 3D मैरिज बच्चे उन्हीं को मिलता है जिनके बुक में भी ये चीज़ नहीं लिखा होता। मैं अपनी बात करती हूँ, नहीं लिखा। नितिशा की बात करती हूँ, नहीं चाहिए उसको मैरिज बच्चा, वो भी चूज़ नहीं कर रही है। और भी मेरी क्लाइंट्स हैं जिनको आप नहीं जानते हो या जिनका कभी नाम नहीं सुना, उन्होंने मैरिज नहीं चूज़ करा है, वो दे आर डूइंग गुड इन देयर जर्नी। तो अगर आप ये सारे चेस कर रहे हो ना, दिन भर बैठ के आप वीडियो स्क्रॉल कर रहे हो, हर पोर्टल पे जाके करंट एनर्जी चेक कर रहे हो, हर पोर्टल पे जाके चैनलिंग चेक कर रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो ना, आप बहुत दूर हो यूनियन के। ये बात आपको आज समझ नहीं आएगा, आज से 5 साल बाद आपको समझ में आएगा, और उस टाइम पर ना आप मेरी जैसी TF कोच ढूंढ रहे होगे, और मैं TF कोचिंग छोड़ चुकी हूँ उनके पास। अपने अंदर की कमियों को नोट डाउन करके उसको ठीक कर लो, क्योंकि वो ना आपकी TF कोच भी नहीं कर पाएगा। जैसे एक लड़की मेरे पास आई, चलिए मैं उसका नाम कुक्कू रखती हूँ, एक लड़की मेरे पास आई, मैंने उसको बोला तुम सेल्फिश हो, उसने मुझे थोड़ी देर बाद बोला दीदी मुझे ना मेरी सहेलियाँ भी बोलती हैं तो मैं होंगी। उसने एक्सेप्ट करा और उसने उस चीज़ पे वर्क किया। तो अब क्या है ना कि उसका डिवाइन मस्कुलाइन सेल्फिश नहीं बनेगा, सेल्फिश बिहेवियर से डर नहीं करेगा। आपके अंदर ईगो है, आपका डिवाइन मस्कुलाइन भी ईगो से रन करेगा। आप चेजर हो वो रनर बन जाएगा, आप फेमिनाइन हो वो मस्कुलाइन बन जाएगा, आप मस्कुलाइन में गए वो फेमिनाइन बन जाएगा। वो कर तो आप ही, वो आपकी ही, आपका बिहेवियर पैटर्न, आपके जो आपके अंदर की चीज़ों को ही तो वो रिएक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये एक पैटर्न को ब्रेक कर दो, एक्सेप्टेंस में आओ, अपनी कमियों को देखना शुरू कर दो। सोचो अगर आप मेरे पास आ रहे हो और मैं आपको एज ए स्टूडेंट भी एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, इसका क्या मतलब है? कि मतलब कितना रिजेक्शन है, मतलब आप समझ रहे हो कितना अशेमफुल है ये आपके लिए कि आपको कोई एज ए स्टूडेंट भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मेरे पास जितनी लड़कियाँ आ रही हैं उसमें से कुछ लड़कियों को मैंने मना कर दिया देने से, आपको एज ए स्टूडेंट भी कोई लेना नहीं चाह रहा। मतलब आपका इन वक्त तो जीरो में, छोड़ो माइनस में चल रहा है, माइनस के साथ कौन अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा? एज ए TF कोच अगर आप मुझे अपना आइडल बनाने वाले हो, तो मैं आपको अपनी कुछ गलतियां बता देती हूँ, ताकि मुझे आइडल बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इन गलतियों पे मैं और इन कमियों पे मैंने भी वर्क किया था, और ये कमियां मुझ में अभी थी, और उस इन कमियों के बावजूद मैं यहाँ तक आई हूँ, जहाँ तक भी आई हूँ, आगे अभी और जाना है। बट मेरी कुछ कमियों को सुन लीजिए, शायद आपको अपनी कुछ कमियां समझ में आ जाएं, क्योंकि ये पैटर्न से बाहर निकलो बच्चे। अगर इस पैटर्न से आप बाहर नहीं निकलोगे ना, आप पूरी गोल गोल घूम जाओगे, आपकी पूरी लाइफ गोल गोल घूम जाएगी, और आप रनर चेजर फेस पे ही रह जाओगे। सेपरेशन क्रिएट करो, अपने ऊपर वर्क करो। अगर वो उस इंसान के लिए आपको थोड़े दिन दूर रहना पड़े, तो थोड़े दिन की दूरी मंजूर कर लो ना, क्या हो गया? अगर वो लाइफ टाइम आपको मिल जाए और आपको वो वैसा ही प्यार करे जैसे आपके ड्रीम में, जैसे वो आपको आके टेलीपैथी आपको प्यार करते हैं, जैसे आपके 5D में वो आपको प्यार करते हैं, आपको एक्सेप्ट करते हैं, अगर वो 3D में कर रहे हैं, थोड़े दिन दूरी आपको मंजूर हो उनके भले के लिए, आपके भले के लिए, तो चले जाओ ना कुछ दिन दूर। आपके प्यार में मतलब इतनी भी ताकत नहीं है कि आप कुछ दिन दूर रह सको, मतलब इतना आप ऑब्सेस्ड एनर्जी में हो, आप सेपरेशन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो। अगर आप सेपरेशन एक्सेप्ट कर चुके हो तो आप चेजर बन गए हो। अब आपने DM को चेज करना बंद कर दिया तो आप यूनियन के साइन चेज कर रहे हो, आप पोर्टल पे जाके करंट एनर्जी देख रहे हो। तो ये मेरे कुछ फ्लॉज थे जिन पे मैंने वर्क किया था आज से काफ़ी साल पहले, मतलब करा था मैंने जुलाई के टाइम पर।
लास्ट ईयर, तो ये मेरे कुछ फ्लॉज हैं, प्लीज़ सुनिए, ये मेरे और मेरे डीएम के दोनों के फ्लॉज हैं, क्योंकि हम सेम सोल हैं, सेम चक्रा हम शेयर करते हैं, तो हमने मिक्स करके लिखा था। एरोगेंट, मटेरियल लाइफ, लग्जरी लाइफ, ईगो, कैलकुलेटिव माइंड, प्रॉफिट एंड लॉस जोड़ना हर रिलेशनशिप में, इसे दोस्ती करूँ तो क्या प्रॉफिट है, नहीं करूँ तो क्या लॉस है, अनएक्सप्रेसिव, सीक्रेटिव, सोसाइटी फेयर, लायर, झूठ भी बोलती थी मैं, इंडिपेंडेंट इन नेचर, लाइक अपने मेजर डिसीजन के लिए आप दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट हो, नॉन रिस्क टेकर, मतलब मैं इतनी नॉन रिस्क टेकर थी कि मैंने अपनी लाइफ में कभी रिस्क लिया ही नहीं, जो सेफ साइड होता था, कंफर्ट जोन में होता था, वही करती थी, स्टैंड नहीं लेना, जजमेंटल, किसी इंसान के लुक्स को देख के उसको जज कर लेना, किसी इंसान की एक गलती को देखकर जज कर लेना, गॉड में बिलीव कम करना या नहीं करना, शो ऑफ, अपने आप को सुपीरियर समझना, माइंड गेम खेलना, ब्लेम गेम खेलना, एग्रेसिव, बॉसी इन नेचर, चूज मनी ओवर लव, ओके आई चूज मनी ओवर लव, मतलब मैंने अपने पास्ट रिलेशनशिप में मनी को ही माइंड में रख के रिलेशनशिप में को चूज करा था, रनर, चेजर, इरिटेशन, जेलेसी, पोजेसिवनेस, फियर एंड कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन मतलब दूसरे से कॉम्पीट करना, अपने आप को कंपेयर करना, कॉम्पिटिशन करना, हेल्दी अनहेल्दी बोथ, लाइक आपने किसी इंसान के साथ हेल्दी कॉम्पिटिशन किया और एक होता अनहेल्दी कॉम्पिटिशन, दोनों ही, मतलब ये तो मेरे पहले बार के हैं, और अगर ये सुनने के बाद आपको ये लगता है ना कि यार ये मेरे अंदर तो नहीं होगा, मैडम ही बुरी थी, तो अपनी जर्नी को मेरी जर्नी से कंपेयर करके देखो फिर आप कहाँ स्टैंड करते हो और मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, अगर आपके अंदर इनमें से कोई भी कमियाँ नहीं है तो आप क्यों यूनियन के करीब नहीं आ रहे हो, यार आपके डीएम आवेकन क्यों नहीं हो रहे, आप हारमोनी तक क्यों नहीं पहुँचे, तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक्सेप्टेंस के ऊपर है, आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो, एक तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो अपनी कमियों को, आपको लगता है आप बिल्कुल परफेक्ट हो, मतलब दुनिया के सबसे परफेक्ट इंसान आप ही लोग हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, मतलब मैं लिखने के लिए के दे रही हूँ तो लोग क्या कर रहे हैं, दो लाइन लिख के ला रहे हैं, तीन लाइन, चार, अभी छः से सात पॉइंट तो मैंने कल लिखा है, कल के डेट में मैंने अपनी कमियाँ लिखी हैं कि मैं सामने वाले को बोलने नहीं देती हूँ, मतलब खुद ही बोल रही होती और गुड लिसनर नहीं हूँ, मतलब सामने वाला बोल रहा होता तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ, मतलब मैं सुनती अच्छे से नहीं हूँ, अपना 100% नहीं देती हूँ, मुझे लगता है कि बस समझ गई मैं क्या बोल रहा है वो, और इंटरप्ट करती हूँ बीच में, जब मुझे ये पता चला ना कि मेरा थ्रॉट चक्रा इसलिए ब्लॉक हो रहा है, और इसलिए मतलब मुझे थ्रॉट चक्रा में बहुत सी चीज़ें होती हैं ब्लॉकेज क्रिएट करने के लिए, बट ये फ्यू ऑफ देम हैं जो मुझे ट्रबल कर रही हैं, ये फ्यू ऑफ देम हैं जिस पे मुझे काम करना पड़ेगा, तो अगर मेरे इस केस पे, इस स्टेज पर आने के बाद मेरे अंदर इतनी कमियाँ हैं कि मैं 6 पॉइंट लिख चुकी हूँ, और आप वो 6 पॉइंट तब लिख रहे हो जब आप डिवाइन फेमिनाइन भी ठीक से नहीं बन पाए, आपको 0 इनर वर्क है, तब आंखें ना खोल लो, 3D का चश्मा हटा दो, 5D में अगर आना है तो आपको वो अपनी कमियां ढूंढनी पड़ेगी। अब कमियां ढूंढना कैसे है, कमियों को अपने दोस्तों से बात करो, अपने फ्रेंड से पूछो कि यार मेरी ना कमियां राइट डाउन कर दो, और मैं आपको एक जोक सुनाती हूँ, मेरी एक 12 साल पुरानी फ्रेंड थी, 2012 में वो मुझे मिली थी, अभी 24 हो गया, 23 हो गया, मतलब हो गया अभी 11-12 साल, मैंने उससे बोला बहन मेरे अंदर कोई कमी है, नहीं बहन तू बिल्कुल परफेक्ट है, बहन मेरे अंदर कोई कमी नहीं बहन सब सही है, क्या हो गया तुझे, मैंने कहा बहन आज सच सच बता दे, मैंने उसको एक दिन बुलाया घर पे, मैंने कहा बहन आज सच बता दे, कहती क्या हो गया, मैंने कहा कुछ नहीं बस बता दे बहन, भाई उसने मेरे को चिट्ठा पकड़ा दिया, 2 पेज की कमियां लिख के बताई मुझे, मैंने कहा बहन तू 12 साल से मेरे साथ रह रही, तूने आज तक मुझे बताया क्यों नहीं, कह रही यार मेरा काम चल रहा है, मुझे क्या जरूरत है किसी की कमियां ढूंढने की, और वैसे भी मुझ में भी तो इतनी कमी है, मैं तेरी क्यों ढूंढूं, भाई मैंने उस दिन देखा उस, ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ना ये मेरी फ्रेंड ने मेरे को बताए थे, मतलब आपकी बेस्ट फ्रेंड को ना पता होता है आपके अंदर क्या कमियां हैं, लेकिन वो ये सोचती मेरा काम चल रहा है तो चलने दो, मैं क्यों लड़ाई करूं या मैं क्यों झगड़ा करूं, ठीक है ना काम चल रहा है ना, ये पॉइंट्स मेरी फ्रेंड ने लिख के दिए मुझे, और इसके बाद जो मैंने सेल्फ एनालिसिस था, जो मैंने सेल्फ एनालाइज करा, उसके बाद जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही थी वो मैंने डीएम को देखा अपने, कि डीएम की कौन कौन सी बातें मुझे हर्ट करती हैं, या डीएम की कौन कौन सी बातें मुझे बुरी लगती हैं, जैसे तो वहाँ 3 चीज़ों से फाइंड आउट करो, अपने आसपास के लोगों को पूछो, सेल्फ एनालिसिस करो, अपने फैमिली मेम्बर से पूछो, अगर आप मैरिड हो तो अपने पार्टनर से बात करो, माँ मदर हो तो बच्चों से बात करो, और उसके बाद अपने डीएम को देखो कि उसके अंदर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है, और उस पैटर्न से बाहर आओ, रनर चेजर फेस से बाहर आओ, उसके बाद अपने अंदर की कमियों को ढूंढो, उसको ठीक कर लोगे ना यार फिर भी 20% इनर वर्क हो जाएगा तुम्हारा, एटलीस्ट कहीं से कहीं तो पहुंचोगे,
कहीं से चलना तो शुरू करोगे जब। और एक दूसरा पैटर्न जो बहुत ज़्यादा मुझे अभी दिखने को मिला है, आपने कहीं से कंफर्मेशन नहीं लिया कि आप ट्विन फ्लेम हो, हायर लेवल ऑफ सोलमेट और ट्विन फ्लेम में ज़्यादा फर्क नहीं होता उनकी रीडिंग में, बस उनको रीडिंग का एक पैटर्न आता है। जब हम भी कटैरो का रीडिंग करते हैं ना, तो हमें एक पैटर्न शो करता है जो सोलमेट, हायर सोलमेट दिखाता है या ट्विन फ्लेम दिखाता है। मेरे पास एक बच्ची बेचारी सी एक लड़की आई, उसने मुझे बोला मैं 1 ईयर से ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और मैं इनर वर्क कर रही हूँ। यार वो ट्विन फ्लेम थी ही नहीं, तो व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? आपको एक पॉइंट के बाद जाना तो पड़ेगा ना किसी के पास गाइडेंस लेने, क्योंकि ये जर्नी ऐसी तो है नहीं, आपको बुक्स नहीं मिलेंगी, आपको सही चैनल और गलत चैनल में फ़र्क दिखाई नहीं देगा, आपको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि किसको मैं फॉलो करूं, किसको मैं वो करूं, इतने ढेर सारे चैनल सब्सक्राइब कर रखे, वहां पर भी आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा, इल्यूजन में रह रहे हो। तीसरा, अगर जॉब नहीं करते हो, इंडिपेंडेंट नहीं हो, फीस एफोर्ड नहीं कर सकते हो, छोड़ दो इस ट्विन फ्लेम जर्नी को, होल्ड पे डाल दो, पहले इंडिपेंडेंट बन जाओ। क्योंकि जब इंडिपेंडेंट बनोगे ना, तो स्टैंड लेने की क्षमता भी आएगी, मतलब आपके अंदर इतनी एबिलिटी हो जाएगी आप स्टैंड ले सकते हो। इंडिपेंडेंट बनोगे तो अपने डिसीजन खुद लोगे, रिस्क टेकर बनोगे, मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें, मतलब एक इंडिपेंडेंट होने से आपके अंदर की 10 बुराइयां ख़त्म हो रही हैं, आपके 10 ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली रिमूव हो रहे हैं। तो पहले जाके कुछ इंडिपेंडेंट